सपनों का, एक महल हो सपनों का। पता नहीं भारती ने माझी पे क्या जादू किया है, भारती के अलावा कोई दिखता नहीं उन्हें। हैरानी तो मुझे भी हो रही है भाभी, इतना प्यार कोई सास अपनी बहू को नहीं करता जितना कि माझी कर रही है। और वैसे उन दोनों को देखने जाए ना तो दोनों माँ बेटी दिखते हैं। भाभी आप क्यों माझी को नहीं समझाती? मैं? हाँ ना बाबा ना, तुम ही जाके समझाओ ना बाबा। मैं अगर भारती का नाम भी लू ना तो भी झगड़ा करने लगती है मुझसे। अरे तुमने नया किस्सा सुना के नहीं? कौन सा? भारती और गंगा के बीच झगड़ा हुआ वो? ना ना वो तो बहुत पुराना हो चुका है, ये एकदम ताजा है। क्या? माझी ने भारती रोको आंदोलन किया। मतलब? कुछ नहीं, भारती अपने आप सब कुछ समझ के यहाँ से चली जा रही थी लेकिन माझी ने उसे रोका, पन्ना भाभी की एक बात नहीं मानी। पता नहीं माझी के दिमाग में क्या चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा हो लेकिन एक बात तय है, जब सोनल यहाँ पे चली आएगी ना तब भारती को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ तुम लोगों को तो यही चाहिए ना, और ऊपर से बहाना जो मिल गया कि सोनल की याददाश्त वापस आ गई है। माझी हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी? माझी आप बात को गलत समझ रही है। हाँ मगर कहना यही चाहती थी। माझी अब बाल की खाल निकाल रही है। नीलू तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? नीलू मैं तुमसे नहीं रश्मि से बात कर रही हूँ। एक मिनट नीलू, तुम बीच में बात मत करो। हाँ माझी आप क्या कह रही थी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो भारती बेचारी अनाथ और दुखियारी लड़की है, पहली शादी में उसने सुख नहीं पाया और अब मुश्किल से वो अभय के नजदीक आ रही थी तो भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। रश्मि आज तो मैं बोलूंगी ही कि उसके साथ हमदर्दी जताने के बजाय तुम जान बूझ कर उसके साथ बैर रखती हो। माँ तुम एक मिनट नीलू, माँ जी आपने बात छेड़ी है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने तो किसी पराई लड़की के साथ बैर रखा है लेकिन आप तो अपनी बहू सोनल के साथ बैर रख रही है। कानूनन इस घर की बहू कौन है ये तो सभी जानते हैं, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है समझी। और दूसरी बात, भारती को तो किसी भी हालत में मैं इस घर से जाने नहीं दूंगी। एक बात बताई देती हूँ रश्मि कि इस घर पर और अभय पर सोनल से ज्यादा भारती का हक है, आया समझ गई? सोनल बेटे तबीयत कैसी है तुम्हारी? बाबूजी ये सवाल सुन सुन के मैं पक गई हूँ, जो भी मिलने आता है सबसे पहला यही सवाल करता है अब तबीयत कैसी है। ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटे। हाँ लेकिन मरीज का तो सोचिए, वो बेचारा अच्छा नहीं होगा फिर भी उसे कहना पड़ता है अब तबीयत अच्छी है। तो तुम क्या कहती हो? अब तबीयत अच्छी है। बस बेटी हमेशा इसी तरह हंसते रहना। और बाबूजी आप हमेशा इसी तरह हंसाते रहिए। अब घर चलने का इरादा है कि नहीं या यही रहने का प्लान है? नहीं तो हंसाने के लिए रोज मुझे यहाँ आना पड़ेगा। नहीं मैं तो अभी आने के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं, अभी बस तुम एकदम अच्छी हो जाओ फिर आना। बाबूजी एक बात पूछूं, आप अकेले क्यों आए? माझी क्यों नहीं आई? उसे कुछ काम था। लेकिन मुझे वो एक बार भी मिलने नहीं आए। बेटा आजकल वो काम में बहुत बिजी है। आपसे भी ज्यादा? आप तो बिजनेस संभालते हैं घर को संभालते हैं फिर भी आप मुझे मिलने आए, और उनके पास तो बहुएं हैं फिर भी वो मुझे मिलने नहीं आई। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं, या फिर आप सही वजह बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं बेटे ऐसे कुछ बात नहीं है। क्या वो बीमार है? हाँ उसे थोड़ा सा बुखार है, तुम्हें बताने के लिए मना किया था। समझे जी आप कब आए? बस थोड़ी देर हुई, अपनी बहू को देखने चला आया। हमारी बहू घर कब आ रही है? कल। कल? वाओ यस। देखा घर जाने का नाम सुनकर चेहरे पर कैसी चमक आ गई। इसे देखकर कोई कहेगा बीमार है? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए तो कल जा रही हूँ, है ना बाबूजी? अच्छा अच्छा ससुर जी को देखकर लाड़ कर रही हो?
ससुर जी को देखकर नहीं, अपने बाबूजी को देखकर। मैं तो इनकी बेटी हूँ बेटी। अच्छा, मतलब हमारी छुट्टी अब? समझे जी, सोनल का सामान आज शिफ्ट हो जाएगा और कल। कौन सा सामान? जो मौसी के वहां है वो। लेकिन हमारा सामान मौसी के यहाँ कैसे पहुंच गया? बाबूजी अब आप ही मुझे कुछ बताइए, यहाँ सब लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। अरे हम लोग अमेरिका जा रहे थे ना हनीमून के लिए, तो फिर मौसी के घर कैसे पहुंच गए? कल तो तुम्हें पता चले जाएगा। हाँ बेटा, समधी जी ठीक कह रहे हैं, कल तक इंतजार करो। ठीक है बाबूजी, आप कहते हैं तो मान जाती हूँ। देखा, तुम्हारी बेटी मान गई ना, अब तो वाकई में तुम्हारी छुट्टी। एट लास्ट यहाँ से तो छूटूंगी, हमारा हनीमून का सारा प्लान चौपट हो गया था। अब मैं जल्दी से अमेरिका जाऊंगी। क्यों, घर नहीं आना है क्या? आना है ना, पहले घर आऊंगी फिर अमेरिका जाऊंगी। अरे मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? बाबू जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ? मेरा नहीं है। वो पता है लेकिन किसका है? गेस करो। चोरी करके लाए हो? मैं चोर हूँ क्या नीलू? नहीं हो तो नहीं, पर हो भी सकता हूँ, है ना? नहीं अभी बाबा, बताओ ना किसका सामान है। अरे गेस करो ना, देखो ये कप, ये थर्मस, नैपकिन, ये वो सब। जा मत बताओ। अरे सोनल भाभी का है, देखो ये सोनल भाभी का कप। तो बोलो ना कि सोनल भाभी का है। सोनल भाभी का है, बस बोला। सोनल का? अभय वाली सोनल? नहीं, वो अपना वो झाड़ू वाला है ना, उसकी वाइफ सोनल की बात कर रहा था। जा। सोनल भाभी घर पे वापस आ रही है नीलू। सच? नहीं, ये फेंक रहा हूँ, मुझे तो शौक है ना कुली की तरह सामान उठाने का, इसलिए। मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ ना मेरे साथ। ए भाई सुन रहे हो? अभी दीवार आ गई, कहाँ जाऊँ? भाई ये देखो। ओ। पता है उस दिन संक्रांति के दिन पे हमने दादी माँ को पतंग में मैसेज लिखा था। दादी माँ ने मैसेज पढ़ लिया। कमाल है, नानी माँ की जिद तो हमेशा जिद ही रहती थी नहीं? हाँ। देखो ना सोनल भाभी की याददाश्त वापस आ गई। हाय, संक्रांत भी हो गई, दादी माँ ने मैसेज पढ़ भी लिया और चमत्कार भी हो गया। हाँ सचमुच का चमत्कार हो गया ये तो। हाँ ना, अभय और सोनल भाभी फिर से एक हो जाएंगे नीलू। हाँ। महाराज सब तैयारियां हो गई है ना, वो लोग आते ही होंगे। हाँ भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब तैयारियां हो गई हैं, बस उन लोगों के आने की ही देर है। अच्छा, नीलू तुम्हें क्या हुआ? माँ ने ये अच्छा नहीं किया। नीलू माँ जी के पैरों में सचमुच दर्द है, इसलिए वो आराम कर रही है। माँ के पैर में कितना दर्द है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। नीलू दरअसल माँ जी सोनल के सामने आने में हिचकिचा रही है, वो कंफ्यूज हो गई है कि अगर सोनल को भारती के बारे में पता चलेगा और वो उनसे पूछेंगी कि क्या ये सब सच है तो वो क्या जवाब देंगी। वैसे मैंने रश्मि को भेजा है उन्हें समझाने के लिए। होशियार, सोनल भाभी तशरीफ ला रही हैं। राजू वेलकम भाभी। कमाल है, तुम तो ऐसे स्वागत करो जैसे मैं कोई मिनिस्टर हूँ। आओ सोनल, आओ। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। माजी और रश्मि भाभी कहाँ हैं? माजी के पैरों में दर्द है, डॉक्टर ने घूमने फिरने से मना किया है, इसलिए अपने कमरे में है। रश्मि भी उनके पास ही है।
तो मैं सबसे पहले माँ जी को मिल के आती हूँ। वैसे भी मुझे उनसे शिकायत है, मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे मिलने भी नहीं आए। मैं अभी आती हूँ। तुम इस तरह अंदर नहीं आ सकती, पहले मैं आपकी आरती उतार लूं। I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं मिसेस भारती अभय नानावटी, अभय की कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ, इस घर की सबसे छोटी बहू। बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बिना सुने तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर होगी सोनल? गलतफहमी तो दूर हो गई ना भाई। प्लीज, अब भी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी उससे कोई शादी नहीं हुई है। ओ शट अप भाई, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। अरे उस लड़की ने भी कहा कि वो तुम्हारी पत्नी है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ये सब झूठ है। ये झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है सोनल। मैं कैसे समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम हमेशा मुझसे धोखा देते आए हो। अरे तुम्हें दूसरी शादी करनी ही थी तो फिर मैं... बस सुनल, बस। सॉरी। देखो सुनल, I'm sorry. Please, अब है। अब मैं पहले जैसी बेवकूफ नहीं रही। मैं ही गलत थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं सोचती थी कि अब तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी किसी एक का नहीं हो सकता। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाती, समझे? और अब प्लीज तुम यहां से चले जाओ। प्लीज लीव मी अलोन। सोनल, बाबूजी, आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मुझसे भी बात नहीं करोगी? अब बात करने को रह ही क्या गया है बाबूजी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना? नहीं बेटी, अभी तक कुछ बर्बाद नहीं हुआ। तो बाबूजी, अब आप भी मुझे समझाने की कोशिश करेंगे? क्यों बाबूजी, क्यों? हमेशा क्यों मेरी ही फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ होता है? नहीं बेटी, इस बार अभय के साथ खिलवाड़ हुआ है, और वो भी तुम्हारी एक्सीडेंट की वजह से। आपके कहने का मतलब तो ऐसा हुआ जैसे मैंने ही अभय की शादी करवाई हो। एक तरीके से देखा जाए तो अभय की शादी तुमने ही करवाई है। मतलब? अब तुम मुझे बोलने दोगी? तुमने हॉस्पिटल में जो जो सवाल मुझे पूछे थे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी माँ कहाँ है, उन सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। शांति से मेरी बात सुनो। एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग। भारती, तुमने तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे तुम्हें दाद देने के लिए। सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। सोनल की आंखें तो फटी की फटी रह गई जब मैंने उसे ये कहा कि मैं मिसेस अभय नानावटी, इस घर की सबसे छोटी बहू, सबकी बोलती बंद। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। लो, इसी बात पे मुंह मीठा करो। थैंक यू। गीता बहन, मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि उनके दांत खट्टे हों और हमारी मेहनत का फल इसी मिठाई की तरह मीठा हो। ऐसा ही होगा, बस तुम यूं ही धीरज से काम करती रहो। हाँ, अब वो हाल क्या है? मतलब कि तुमसे कुछ बात हुई?
नहीं, फिलहाल तो कोई बात नहीं हुई। अभी तो सब लोग सोनल को समझाने में है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किन हालात में हुआ। वेरी गुड भारती, तुम वही चिपकी रहना। वाकई भारती, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। खुशी के मारे आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। चलेगा। मगर भारती, तुम वह सब हैंडल कर पाओगी ना, क्योंकि हालात अब जरा क्रिटिकल हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उस घर के लोगों को हैंडल करना कोई मुश्किल बात नहीं, बेचारे बहुत भोले हैं। और वैसे भी हुक्म का इक्का मेरे पास है। मतलब मेरी सासू जी, उन्हें बहुत लगाव है मुझसे। उनकी सबसे फेवरेट बहू मैं हूँ। क्या? हाँ, सोनल के आने के पहले जब मैं घर छोड़ने का नाटक कर रही थी ना, तब उन्हीं ने मुझे रोका था कि तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, वगैरह वगैरह। रियली? हाँ, जब तक वो मेरे कंट्रोल में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ दो लोगों से मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। कौन? राजू और रश्मि। बहुत चालाक है दोनों, और अहम बात यह है कि मिस्टर पुरुषोत्तम नानावटी भी उनका काफी सुनते हैं। चोरी के मामलात में भी वो साफ निकल गए। मैंने पुरुषोत्तम नानावटी के 15,000 चुरा के रश्मि के कमरे में रख दिए थे, और सनत भैया के 10,000 नीलू के कमरे में। सोचा था आपस में कंफ्यूजन हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी, लेकिन साफ बच गए। एनीवे, आई विल हैंडल देम नेक्स्ट टाइम। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसे बहुत से मौके और आएंगे, तब तक तुम हुक्म के इक्के का इस्तेमाल करो। वो तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं चलती हूँ। क्यों? मेरी सास इंतजार करेगी कि उसकी बहू कहाँ चली गई। ओके बाय। हाँ बाय, एंड टेक केयर। ओ यस। क्यों बाबूजी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? अब मेरी मम्मी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने उसे? सोनल, एक ने एक दिन तो सबको जाना ही है। लेकिन ऐसा क्यों बाबूजी? क्या उसे मेरी थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? सोनल प्लीज, अपने आप को संभालो। अब तो तुम्हें तुम्हारे डैडी को भी संभालना है सोनल। उनके बारे में सोचा है कभी? वो कितनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं पता है तुम्हें? एक तरफ तुम्हारी मम्मी के मौत का गम, और दूसरी तरफ तुम्हारी याददाश्त चली जाने की परेशानी। प्लीज सोनल, कूल डाउन, कूल डाउन। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारी मौसी के वहां चली गई थी, और यहां दादी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि अभय का मैत्री करार किया जाए। इसके लिए अभय कतई तैयार नहीं था, लेकिन हमने उसे मजबूर किया, दादी माँ की आखिरी इच्छा का वास्ता दिया था। देखो सोनल, मैं सच कह रहा हूं, मेरे और भारती के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे मुझे तुम्हारे सामने आने में शर्म लगे। हाँ, अगर संक्रांत के दिन तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ उसकी खबर मुझे नहीं मिलती तो शायद। आई एम सॉरी सोनल। नहीं अभी, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। आज मैं बहुत खुश हूं, तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और जो विश्वास है, भगवान करे यूं ही बना रहे। इसी वजह से आज तुम दोनों मिल पाए हो। सोनल, ये हमारे लिए एक कसौटी का समय है, और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कुछ मुझे
दूर जाए कुछ पाए कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।